टीकमगढ़ जिले के अधिकतर गांव में इन दिनों विभागीय साठगांठ के चलते झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं, जहां बेखौफ होकर भोले भाले ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना डिग्री के बंगाली डॉक्टर सहित अन्य लोग भी गंभीर बीमारियों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण अंचल कस्बा भर में 2000 से अधिक झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी न हो। सब कुछ जानने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौन हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन मौत के सौदागरों के साथ स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की साठगांठ साफ नजर आती है। जब कभी किसी भी प्रकार का मामला तूल पकड़ता नजर आता है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा कुछ छूटपूट कार्यवाही करके स्वास्थ्य महकमा अपनी पीठ जरूर थपथपा लेता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि विभाग से साठगांठ कर ही यह अवैध क्लिनिक खुले आम संचालित किया जा रहा है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहे हैं, कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसे झूला छाप डॉक्टरों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हमारी जिला स्तर की टीम बनी हुई है जो जाके ऐसे क्लिनिकों पर कार्रवाई करती है, और ये पहले से बनी हुई थी। मैं जब से आया हूँ मैंने भी इसके द्वारा इस टीम को बनाया है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कितने क्लिनिक्स पे कार्रवाई हुई है? करीब 5-6 पे हो चुकी है। मैंने मेरे समय 5-6 क्लिनिक पे कार्रवाई हो चुकी है। क्या कार्रवाई हुई है और भी अभी भी? हाँ, उनको चेतावनी पत्र दिए गए, उनको बंद सील किया गया, उन्होंने ये बोला है कि हम बंद कर देंगे, उनको चेतावनी दी गई। आज भी वो संचालित है? नहीं, वो तो अब जब टीम जब दोबारा जाएगी उनको मिलेंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये उसका मतलब पहले अपन एक बार चेतावनी पत्र देते हैं, यदि चेतावनी पत्र ना दें तो फिर ये भी थोड़ा सा उनको मौका तो देना चाहिए। वो दोबारा यदि मिलेंगे तो कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये तो आपने जो बताया वो कार्रवाई करेंगे, करवा जो बोल रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।